सामने दो नंदी दिखाई दे रहे होंगे और पीछे कुछ गायें। और ये रहे गोधन जी। गोधन जी नमस्कार, ठीक है ना? आपके ही माध्यम से देसी गायों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे अपने क्षेत्र के लिए कि इन गायों को जीवंत रखे हुए हैं, और ये चीज़ें जो है जब भी हम रास्ते से गुजरते हैं तो देखने को मिल जाती हैं, है ना? अब शाम का समय हो चुका है और ऐसे में गोधन जी अब धीरे धीरे अपनी गायों को लेकर घर की तरफ निकल रहे हैं। अब हम लोग के ग्रामीण क्षेत्रों में जो देसी गोवंश का पालन है बहुत कम हो गया है, बहुत कम, गिने चुने लोग ही देसी गायों को रखे हुए हैं। इन देसी गायों से कहीं ना कहीं फायदा ही होता है, घाटा कुछ भी नहीं होता है। इनके गोबर से खादे, जैविक खादे बन जाती हैं जो कि खेतों में उपयोगी साबित होता है। दूध भी लाभकारी है और दूध के साथ साथ घी, अगर देसी गाय है तो उसका घी प्राप्त हो जाता है शुद्ध रूप से, जो कि हर एक तरह के रोगों में भी उपयोगी साबित होता है। शाम का समय हो चुका है, ऐसे में हम सोचे इन गायों को हम देखें और आप लोगों को दिखाएं भी, है ना? एक बेहद दुखद वीडियो भी हम दो दिन पहले ही देखे थे जो कि हरियाणा से थी, जिसमें दिखाया गया था कि बहुत सारी देसी गौओं का वध करके उनके शरीर से चर्बियां निकाली जा रही है और उस चर्बी से जो है घी तैयार किया जा रहा है। अब आप लोग सोचिए, अगर उस तरह का घी अगर एक आम व्यक्ति के हाथों में आता है, पूजा पाठ में जाता है, तो कितना नुकसानदेह है, है ना? अगर देसी गौओं का पालन नहीं किया जाए तो फिर ऐसा ही होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि देसी गौओं का पालन किया जाए, जिससे आप लोग को शुद्ध रूप से दूध, घी, मक्खन और जैविक खाद मिलता रहे। गोधन जी मिलेंगे फिर, ठीक है ना? खोले ना रही नंबर वहाँ, नंबर वाली खोले ना रही।